हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आ चुकी हूँ एंड बहुत दिनों बाद। सो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जागो, क्वेश्चन बैंक्स आ चुके हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। बट इन दिस वीडियो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम गिव रीजन का सेक्शन। मैम क्यों ऑब्जेक्टिव्स क्यों नहीं करा रहे हो बच्चों? ऑब्जेक्टिव्स का जो है सल्यूशन बहुत सारे एडुकेटर्स ने डाल के रखा हुआ है ऑन यूट्यूब। पार्थ सर ने पूरा सल्यूशन दे दिया है, शुभम सर ने दे दिया है और पवन वाघ सर ने भी दे दिया है। तो बहुत सारे एडुकेटर्स जो हैं ऑलरेडी दे हैव प्रिपेयर्ड द सॉल्यूशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पार्ट। सो आई थॉट कि व्हाई शुड आई अगेन यू नो वही सॉल्यूशन सेम, इट इज ऑफ नो यूज। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, आई नो दैट आप लोगों को पहले से मिल चुका है, ठीक है? आप लोग एकदम मेरे से पहले ही दौड़ रहे हो मुझे मालूम है। सो या सो इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग गिव रीजन्स, जो कि आपके 2 मार्क्स के लिए आते हैं इन योर पेपर, ओके? एंड द गिव रीजन्स आर वेरी वेरी इजी, अराउंड 44 कुछ गिव रीजन्स है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन 1 to 10 बच्चों, ठीक है? आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन 1 to 10 का गिव रीजन्स। सो आई होप कि आपको पूरा समझे। और मैं कैसे बताने वाली हूँ, क्वेश्चन 1 किस पेज नंबर में है आपके टेक्स्ट बुक के, क्वेश्चन 2 किस पेज नंबर में है। अगर कोई क्वेश्चन आपके नहीं है टेक्स्ट बुक में, सो वो किस बुक से आपको करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन बैंक। आई होप यू ऑल हैव डाउनलोडेड दिस पीडीएफ। वो तो पहले ही किया होगा तुम लोगों ने, अगर नहीं किया तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो का जो है पीडीएफ, सॉरी वीडियो बोल रही हूँ, ये पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है? तो टेंशन ना लो ये अगर किसी को नहीं मिला है तो। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने पूरा जो है क्वेश्चन 10, पूरे क्वेश्चन 10 का यहाँ पे मैंने विद डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक का पीडीएफ भी खोला हुआ है, तो मैं आपको बताते चलूंगी, आप साथ साथ मेरे मार्क करते चलो। सेकेंड थिंग एक्सप्लेन भी करूंगी कि व्हाट यू हैव टू राइट हियर, ठीक है? थर्ड थिंग बच्चों, अभी बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम ने पीपीटी या पीडीएफ क्यों नहीं बनाया, रेडीमेड मिल जाता। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट हैव टाइम टू प्रिपेयर पीडीएफ्स एंड पीपीटी फॉर यू पीपल। सेकेंड थिंग आई वॉन्टेड यू ऑल टू नो दैट ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपके टेक्स्ट बुक में ही है। तो पागलों जैसे अपने को 1000 बुक में नहीं देखना है, ये ले डाइजेस्ट देखा भाई, टारगेट है ने ये ने वो, तो ये सब बैठ के नहीं करना है। आपका टेक्स्ट बुक में सारा आंसर्स दिया हुआ है, तो मैं वही, यही मोटिव है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नाउ एज यू कैन सी आई हैव मार्क्ड फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इज फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उन्होंने सीक्वेंस वाइज दिया है, इतना ईजी तरीके से, मतलब बहुत ही ईजी तरीके से आपको सॉल्व हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 to 10 इज फ्रॉम योर लाइफ प्रोसेस पार्ट 1। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 विच इज सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर सीन इन देयर ऑफ स्प्रिंग। ये देख के पता चल रहा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में से है। हमको पता है कि कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग में जाता है। क्यों भाई? आंसर तुमको आना चाहिए क्यों। ऑब्वियसली हमारा क्या है, व्हाट इज द मेन थिंग, इट इज नथिंग बट द जीन्स इन द डीएनए, राइट? तो बस वही लिखना है। लेकिन तुम जीन्स इन द डीएनए लिख के आ जाओगे 1 सेंटेंस, तो तुमको 2 मार्क्स तो मिलेगा नहीं। तो आपको थोड़ा सजा के सवार के एकदम आंसर को लिखना है। सो लेट्स गो टू पेज नंबर 2 वेयर यू विल फाइंड योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कहाँ है भाई, कहाँ हो तुम? यहाँ है तुम्हारा आंसर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू जीन्स ओनली। तो आप अपना थोड़ा आंसर भी ऐड करो कि द जीन्स आर यू नो द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए, व्हाटएवर यू कैन से। जीन का पूरा दिया हुआ है, तो जीन के बारे में थोड़ा सा बता दो। एंड सम ऑफ दोज जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस। इसी के लिए तो बोला जाता है भाई कि सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स। जैसे कि हाइट ऑफ द पेरेंट्स, बच्चा भी लंबा हुआ, कलर मे बी, और फेशियल फीचर्स, राइट? सो सम ऑफ द कैरेक्टर्स, तो ऐसे कौन से कैरेक्टर्स होंगे वो हमको नहीं पता भाई। जीन उठा के लिख के जाता है, इसका वर्किंग सब तुमको पता है, राइट? जो कैरेक्टर्स चेंज नहीं हुए, जैसा पेरेंट्स में था वैसा का वैसा बच्चे में आ गया, तो खत्म, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं हुआ। क्लियर? तो इसी आंसर को तुमको 4 पॉइंट में लिखना है और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अल्टीमेट योर मेन वर्ड इज जीन इन द डीएनए, तो उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। एंड देन यू हैव टू राइट कि हाँ ड्यूरिंग मतलब हेरिडिटी में यही होता है भाई, और नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। जीन्स आर ट्रांसमिटेड, सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
पेरिपेटस इज सेट टू बी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालीडा एंड आर्थ्रोपोडा। भाई ये तो देख के पता चल रहा है कि एविडेंसेस वाला आंसर है। मैंने अपने जब भी मैंने लाइव सेशन लिया था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का, उसके बाद ड्यू टू सम माई शेड्यूल वॉज वेरी वेरी बिजी तो मैं लाइव नहीं आ पाई, बट मैं उसमें एक्सप्लेन किया था मैंने, और मैंने बोला भी था कि एविडेंसेस तगड़े तरीके से करना भाई, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो ये तो सिर्फ गिव रीजन देख रहे हैं ना हम लोग, अब जब आगे आगे हम लोग देखेंगे ना सब 3 मार्क्स के आंसर्स, 5 मार्क्स के आंसर्स, तब देखना कि क्या होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू कनेक्टिंग लिंक्स। ये है हमारा कनेक्टिंग लिंक और ये है हमारा पेरिपेटस। हमको क्वेश्चन पूछा गया है पेरिपेटस इज सेट टू बी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालीडा एंड आर्थ्रोपोडा। बच्चों पेज नंबर 7 में आपका आंसर है, एनालीडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है ये पेरिपेटस। यस इट इज। तो आप बच्चों शुरुआत कैसे करोगे इस क्वेश्चन का आंसर जो है, तुमको पता है कि पेरिपेटस जो है क्या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालीडा एंड आर्थ्रोपोडा, मतलब कनेक्टिंग लिंक मतलब एनालीडा के बारे में भी, एनालीडा का थोड़ा फीचर्स दिखाता है, आर्थ्रोपोडा का भी थोड़ा सा फीचर्स दिखाता है। तो भाई एनालीडा के कौन से फीचर्स दिखाते हैं, यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये आंसर की शुरुआत आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप ये लिखोगे कि सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बराबर, शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसा प्रॉपर्टीज दिखाता है कि ऐसा लगेगा कि ये तो ये ग्रुप का भी है और ये एनिमल ये ग्रुप का भी है। मतलब सपोज एक एनिमल एक्स है, ये एक्स एनिमल ग्रुप ए का भी फीचर्स दिखा रहा है, ये एक्स एनिमल ग्रुप बी का भी दिखा रहा है, मतलब दिस एक्स इज द कनेक्टिंग लिंक। सिंपल, एक कॉमन फ्रेंड होता है भाई, ये कॉमन फ्रेंड इस ग्रुप में भी उसके फ्रेंड्स है, इस ग्रुप में भी उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो ये कॉमन फ्रेंड हो गया, मतलब ये कनेक्टिंग लिंक है। सेम वे तो आपको लिखना है ऐसा कि सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बिटवीन टू ग्रुप्स, ठीक है, हेंस दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक्स। तो आपको पहले कनेक्टिंग लिंक के बारे में डिफाइन करना है, उसके बाद तुम एग्जाम्पल दोगे कि फॉर एग्जाम्पल पेरिपेटस, सो पेरिपेटस शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ एनालीडा, कौन सा प्रॉपर्टीज बताता है, ये वाला चीज, पूरा सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स। सेगमेंटेड बॉडी होता है एनालीडा में, कौन आता है, अर्थवर्म्स आता है ना, तुम लोगों ने पढ़ा होगा एनिमल क्लासिफिकेशन में, तो वो सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग, दीज एनिमल्स ऑल्सो शो ट्रकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों ट्रकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमको अगर याद होगा तो हमने पढ़ा है पहले भी कि ये कॉकरोचेस में होता है, और ये कॉकरोच किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज नथिंग बट सारे कीड़े मकोड़े, दुनिया में जितने कीड़े हैं सारे आर्थ्रोपोडा में हैं। मैं एनिमल क्लासिफिकेशन के वीडियोज अपलोड कर रही हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग मच रिस्पॉन्स, आई एम नॉट गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल बच्चों, दिस इज द ओनली रीजन मेरे वीडियोज भी अभी मैं लाइव भी आती नहीं, बिकॉज ऐसे तो टाइम नहीं है, बट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज, डू सपोर्ट बच्चों, ये एक ही तो मोटिवेशन है जिसके कारण मतलब एडुकेटर्स आके वीडियो बनाते हैं, अगर कोई देख ही नहीं रहा है तो फिर क्या ही फायदा है, ठीक है। तो अब ये वीडियो मैंने बनाया तो है, अब देखो जिनको देखना होगा वो देखेंगे, जिनको पसंद आया लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और थर्ड लास्ट थिंग जो तुम है कमेंट तो करके बता दो, कमेंट मैं रोज कमेंट देखती हूँ, नए कमेंट्स कुछ कुछ बच्चों के आते हैं, ठीक है। सो हो गया, तो दिस इज योर आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस शोज दैट पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालीडा एंड आर्थ्रोपोडा, कंप्लीट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिब्रेट्स हैव स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। बच्चों कन्फ्यूजन मत करना, वर्टिब्रेट मतलब हम, वी आर इवॉल्व फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिसको वर्टिब्रल कॉलम होता नहीं है, वर्टिब्रेट्स मतलब जिसको वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब बात क्या होती है, ये है पेज नंबर आपका 6 में, लेकिन बच्चों सी वन मोर थिंग, पेज नंबर 6 में ये है। सेकेंड थिंग, द पर्पज ऑफ राइटिंग दिस ई एक्स इज, दिस इज अ एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब बाकी भी कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन हो सकते हैं, बट इफ आई फाइंड कि कोई क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली टेक्स्ट बुक में फ्रेम नहीं किया गया है, सो आई हैव रिटन देयर ई एक्स, मतलब यू कैन रेफर अदर बुक्स ऑल्सो, मतलब जैसे नवनीत का अपना डाइजेस्ट हो गया, अपना टारगेट का बुक हो गया, कोई भी बुक्स जो भी आप रेफर करते हो, ठीक है, तो यू ऑल कैन रेफर दैट बुक ऑल्सो फॉर योर पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर मुझे लगा कि हाँ ये है भाई तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर प्लीज मतलब आप लोग रेफर करो, ठीक है, ठीक है। तो यस
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. वर्टिब्रेट्स हैव स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इन वर्टिब्रेट्स. ना पेज नंबर 6 में, भाई पेज नंबर 6 में क्या है क्या है क्या है? पेज नंबर 6 ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया. यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो तुम लोगों को अपना फॉसिल फ्यूल वाला आंसर है ना, ये पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस वाला. पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में तुमको एक सेकेंड ना, पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेज में तुम लोगों को ये पूरा दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल एंड फॉसिल्स, राइट? तो देखो बच्चों, यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, ये इनवर्टेब्रेट्स आर फाउंड इन द लोएस्ट लेवल्स, कैन यू सी? और ये कौन सा एरा है? पेलियोजॉइक एरा, पेलियोजॉइक एरा, ठीक है? और वर्टेब्रेट्स ये सेनोजॉइक एरा में तुमको वर्टेब्रेट्स मिलते हैं. समझ में आ रहा है? तो समझो ना भाई, तुमने अगर मिट्टी खोदी और जो सबसे ज्यादा डीपेस्ट मिलेगा, मतलब वो पहले मरा था, यस और नो? वो सबसे पहले मरा था तभी तो वो डीप में गया ना. हम क्या ऐसे करते हैं क्या भाई कि अभी जो मरा है, कुछ 5 साल पहले जो मरा है, हम पूरा डीप तक खोदते हैं और फिर उसको डिक करके डालते हैं या जो भी, व्हाटएवर, डीकम्पोज भी अगर होता है तो फिर अपना जो रीसेंट रहेगा वो तो ऊपर लेयर में ही रहेगा ना, सिंपल सी बात है. तो ये कैसे पता चला? दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय कार्बन डेटिंग. तो बच्चों ये पैरा में आपका आंसर पूरा है. कार्बन डेटिंग के बारे में आप ये इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो. इफ़ यू वॉन्ट आई कैन यू नो जस्ट गिव यू सम पॉइंट्स इन विच यू कैन राइट योर आंसर्स एज, वेट अ सेकेंड, यू कैन रेफर एनी बुक बच्चों, आपके बुक्स में दिए गए हैं, टेक्स्टुअल क्वेश्चन है तो आप कहीं से भी जहाँ से आप पढ़ते हो आप लोग रेफर कर सकते हो, नॉट अ बिग डील. तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ सो दैट यू नो यू विल बी क्लियर वॉट टू आंसर. एक सेकेंड, या तो वॉट यू कैन राइट इज कि बच्चों सबसे पहला पॉइंट आप कार्बन डेटिंग के बारे में लिखोगे. कीप ऑन राइटिंग, आई एम सेइंग यू द ओनली रीजन बिहाइंड टेलिंग यू इज दैट आप लोग को समझना चाहिए कि क्या लिखना है आंसर में. तो पहला पॉइंट तुम लोग कहोगे कि कार्बन डेटिंग यूज होता है टू फाइंड यू नो द एग्जिस्टेंस ऑफ द एनिमल्स, ठीक है? तो कार्बन डेटिंग मेथड से वी फाउंड दैट द इनवर्टिब्रेट्स वर फाउंड इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, ओके? एंड दैट एरा वॉज कॉल्ड एज पेलियोजॉइक एरा. एंड बाई दिस प्रोसेस, कार्बन डेटिंग का प्रोसेस, वी ऑल्सो फाउंड दैट इनवर्टिब्रेट्स वर फाउंड इन द सेनोजॉइक एरा. सो वॉट दिस शोज इज कि द वर्टिब्रेट्स आर इवॉल्व फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स. सिंपल बच्चों, 2 मार्क्स का आंसर है, 4 पॉइंट बना दो खत्म, लेकिन प्रॉपर पॉइंट होना चाहिए. अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 3 इज डन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. डक बिल प्लैटिपस शोज रिलेशनशिप विद मैमल्स. भाई ये तो फिर कनेक्टिंग लिंक पे जाना है हमको. डक बिल पे जाओ, हमारा कनेक्टिंग लिंक पे जाना है और बहुत ईजी है. देखो बच्चों, कनेक्टिंग लिंक वाला जो आंसर है, पेरिपेटस वाला भी है, राइट? मैं कहाँ जा रही हूँ, पगला गए हैं हम. चलो आगे है. यस, यहाँ पे है डक बिल वाला आंसर है ना बच्चों, जो पेरिपेटस वाला आंसर था ना क्वेश्चन नंबर 2, सेम आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी लिखना है. स्टार्टिंग का एकदम शुरुआत सेम रहेगा कि सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू ग्रुप्स, सच कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक्स और सच ग्रुप्स आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक्स. फॉर एग्जाम्पल, डक बिल लेज एग्स लाइक रेप्टाइल्स, ठीक है? बट शोज रिलेशनशिप विथ मैमल्स. एग्स ले करता है, कौन करता है? रेप्टाइल्स ले करते हैं, स्नेक्स वेक्स, है ना? बट शोज रिलेशनशिप विथ मैमल्स. कैसे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स. दिस शोज दैट डक बिल प्लैटिपस शोज रिलेशनशिप विथ मैमल्स. सिंपल. पेज नंबर 7. तो आप ये लिखते चलो, ठीक है? आपके पास PDF होगा, नहीं है बुक में लिखते चलो और प्रिपेयर कर लेना. जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तब तक आपका ये क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस रेडी रहने चाहिए. मेरे साथ साथ करोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइजिंग. ये तो मैंने हर वीडियो में मैंने बताया है भाई, वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइजिंग, व्हाई? द आंसर शुड बी अनएरोबिक रेस्पिरेशन. यस, लेट्स गो टू पेज नंबर 15. यहां से आपका लाइफ प्रोसेस का चैप्टर शुरू हो रहा है. एरोबिक अनएरोबिक के बारे में मैंने पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया है, मेरे वीडियोस पड़े हैं, अगर आपने नहीं देखा है डू वॉच देम, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर क्वेश्चन बैंक्स. कितना आएगा किसी को नहीं पता है, लेकिन अगर कुछ मिला है
तो उसको प्रिपेयर कर लो. एंड बेसिकली द मोटिवेशन बिहाइंड प्रिपेयरिंग दिस वीडियो इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट येट प्रिपेयर्ड फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स एंड दे रियली नीड हेल्प टू हैव पासिंग मार्क्स, है ना, टू सिक्योर, टू स्कोर पासिंग मार्क्स. तो मैंने सोचा यार नहीं बनाते हैं उन लोगों के लिए एटलीस्ट जो मतलब ये पढ़ के पास तो हो जाए बेचारे. तो बच्चों और जिनका पढ़ के हो गया है वो लोग ये क्वेश्चंस को वापस रिवाइज कर सकते हो तुम लोग, दैट्स इट. ठीक है, ये आधे बच्चे बस ना यही डूबते रहते हैं सोचने में कि आज न्यूज़ क्या आया है, क्या न्यूज़ आया है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर. ये PDF अलग जगह, यूट्यूब अलग जगह हो जाता है इनका. तो प्लीज़ डू प्रिपेयर फॉर योर क्वेश्चन बैंक प्रॉपरली. पेज नंबर 15 पे आ चुके हैं हम लोग एंड यहाँ पे आपका अनएरोबिक स्टार्ट हो गया. दिस इज योर आंसर. नाउ व्हाट विल यू राइट इज क्वेश्चन पूछा है कि वी फील टायर्ड व्हाइल एक्सरसाइजिंग. व्हाट हैपेंस इज बच्चों, व्हेनेवर वी आर एक्सरसाइजिंग आर मसल्स आर परफॉर्मिंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन. व्हाई? बिकॉज व्हेनेवर वी आर एक्सरसाइजिंग देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आर मसल सेल्स बिकॉज कंटिन्यू वर्क चल रहा है. सो द ऑक्सीजन कैपेसिटी इज रेड्यूज देयर. सो देयर अनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स. ऐसे आप लिखोगे अपने आंसर्स, ठीक है. सो देयर अनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स. नाउ ड्यू टू दिस अनएरोबिक रेस्पिरेशन द लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन इज डन बोल सकते हो. या ड्यू टू दिस अनएरोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल सेल्स. This leads to tiredness. समझा? आपको यहाँ पे दिया गया है. Our muscle cells also perform anaerobic respiration while performing the exercise. Due to this, less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulates due to which we feel tired. Lactic acid accumulate हो जाता है muscle cell में और हम लोग tired feel करना शुरू कर देते हैं. Clear? Okay. Even this question is there in many books, reference books. ठीक है? Sixth question, oxygen is necessary for complete oxidation of glucose. बच्चों इसका proper answer textbook में कहीं भी नहीं है but I will be explaining you what you have to write in this question. आपके ये question का answer बहुत सारे reference books में है क्योंकि this is your textual question. मैंने लिखा है exercise question मतलब textual question है, ठीक है. तो exercise का question है, I know you all have prepared already but मैं बता दूं कि इसमें आपको लिखना क्या. आपको पूछा गया ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. यस, आप लिखोगे कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एज इट डज इन एरोबिक रेस्पिरेशन. आप लिखोगे इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज अंडरगोज या द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन थ्री स्टेप्स. द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन थ्री स्टेप्स इन व्हाट? एरोबिक रेस्पिरेशन. व्हाट आर द थ्री स्टेप्स बच्चों? वो लिखना है, ये आपको लिखना है. व्हाट आर द थ्री स्टेप्स? ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल विच इज ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल, थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन. ओके, नाउ बट इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन वन स्टेप ओनली, ओनली ग्लाइकोलिसिस, ओनली ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस, द टू अदर स्टेप्स डजंट टेक्स प्लेस. दिस इज द रीजन वी गेट 38 ATPs इन एरोबिक रेस्पिरेशन and 2 ATPs in anaerobic respiration. This shows that oxygen is necessary for complete oxidation of glucose. Understood? तो glucose का पूरा full अगर oxidation करना है तो तुमको oxygen चाहिए. अगर तुम्हारे पास oxygen नहीं है जो कि हमारे कहाँ हो रहा है? Anaerobic respiration में. Lack of oxygen या absence of oxygen, ये दोनों condition में. है ना, मतलब oxygen नहीं है उतना. तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं हो पाता है क्योंकि एक ही स्टेप हो रहा है ना, ग्लाइकोलिसिस ही हो रहा है, दो स्टेप्स तो हो ही नहीं रहे बाकी के दोनों. समझ में आया? ये रीजन है. आगे बढ़ते हैं. फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. यस, तो ये कहाँ मिलेगा हमको? फूड कंपोनेंट्स वाला. सॉरी, फूड कंपोनेंट्स में हमको अलग अलग प्रकार की चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं. मेरे सारे वीडियोज में एकदम तगड़ा वाला चार्ट बना के मैंने दिया है, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लो. यहाँ है तुम्हारा आंसर. द पेज नंबर इज 17 एंड ऑल्सो दिस इज एन एक्सरसाइज क्वेश्चन बच्चों. फाइबर्स आर असेंशियल न्यूट्रिएंट्स गिव रीजन. यस, बिकॉज वी कैन नॉट डाइजेस्ट, इनफैक्ट वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर्स, बट द फाइबर्स आर यूजफुल फॉर डाइजेशन ऑफ अदर फूड मटेरियल्स. दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेज एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेज. ये दो अगर वर्ड्स नहीं आते हैं आपके तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. फर्स्ट थिंग इज कि ड्यू टू फाइबर्स वी कैन डाइजेस्ट आर फूड मटेरियल्स एंड ऑल्सो वी कैन इजेस्ट दी
अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस, समझा? सो वी नीड टू हैव फाइबर्स इन आर खाना. ओके, हो गया ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सेल डिविजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑब्वियसली मैम, क्या पूछ रहे हो? सेल डिविजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बच्चा पेज नंबर 17, दिस इज ऑल्सो योर एक्सरसाइज क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे बहुत चुन्नू सा दिया है तुमको आंसर. His cell division is one of the very important properties of cells and living organisms. Because of this property, a new organism is formed from the existing one. A multicellular organism grows up, emaciated body can be restored. Simple बच्चों, इसका मतलब बताती हूँ. पहली बात, cell division के वजह से एक नया organism बनता है जो कि होता है meiosis में, right? Reproductive cells में होता है meiosis. नया ऑर्गेनिज्म बनता है. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज अप. हम क्या हैं? मल्टी सेल्यूलर. हमारी हाइट कैसे बढ़ रही है? हम फुग कैसे रहे हैं? क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में कोने कोने में सेल डिवीजन होता है, इसीलिए हम फुगते भी हैं और उगते भी हैं. ठीक है, थर्ड थिंग, इमेसिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड. भाई अगर सपोज कोई चीज़ है जो डिजेनरेट हो रही है, तो उसको सेल डिवीजन के द्वारा फिर से रीजनरेट कर सकते हैं. आपने सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा स्टेम सेल्स का प्रॉपर्टीज. स्टेम सेल्स, अगर कोई ऑर्गन डीजेनरेट हो चुका है तो उसको हम लोग जिंदा कर सकते हैं वापस. अगर उसमें स्टेम सेल्स हमने डाल दिया तो वो सेल डिवीजन करके वो ऑर्गन का अप्रोप्रिएट सेल बनना शुरू हो जाता है. तो बस यही है. ये तीन रीजन अगर तुमने नहीं लिखा, पहला तो तुम लिखोगे येस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स, है ना? सेल डिवीजन का डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, ये तीन रीजंस. सेकंड, न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म. थर्ड, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज. ऐसा नहीं है उगने का फुगने का नहीं लिखने का, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप. थर्ड, एमासिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड. खत्म. तो चलो हम आगे चलते हैं नौवे क्वेश्चन पे. सम हायर और प्लांट्स एनिमल्स एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो समटाइम्स परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन. Yes, we are a part of higher animals, if I'm not wrong, right? हम तो भाई सबसे highest बैठे हैं इधर. Dinosaur तो मर गए तो हम ही बचे अभी. तो some higher plants and animals and aerobic microorganisms sometimes perform anaerobic respiration. Yes. आप लोग ये कैसे लिखोगे? इसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक में कहीं प्रॉपरली दिया नहीं गया है, बट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ विल यू राइट द आंसर. मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहला चीज़ इसमें आप लिखोगे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. सॉरी, आप सबसे पहले लिखोगे द डेफिनेशन ऑफ अन एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों. ठीक है, अन एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन. कोई भी एब्सेंस खाली लिख के छोड़ेगा नहीं आंसर को, रॉन्ग मार्क्स कट होगा. एब्सेंस, पूरा एब्सेंस या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन. समझ में आया? ये दोनों कंडीशन है. अंडरस्टूड? तो उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे भाई? ये पूरे मतलब हर एक बुक में दिया गया है, आप कहीं से भी पढ़ो, नॉट एन इश्यू. बस पढ़ो यार, जो जो का जो जो क्वेश्चन का आंसर टेक्स्ट बुक में मिल रहा है ना, मैं एकदम ढूंढ ढांड के तुमको दे रही हूँ. जो नहीं मिल रहा है, आई एम फ्रेंकली सेइंग स्टडी फ्रॉम एनी बुक, बट प्लीज स्टडी यार, प्लीज प्लीज. ठीक है, ये तुमको दिया गया है. यहाँ पे तुम क्या लिखोगे कि क्यों करते हैं, तुमको रीजन देना है. भाई साहब क्यों करेंगे? पहले तो तुम एनारोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन दोगे. सो ड्यू टू द कंडीशंस लाइक इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, सम हायर प्लांट्स एनिमल्स एंड एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स undergoes anaerobic respiration. For example, we human beings, सीधा लिखने का. For example, we human beings, we are considered as higher animals. Right? But we undergo anaerobic respiration in our muscle cells. Why? Because there is lack of oxygen. खत्म बात. दे दिया example के साथ answer लिख लो. Full marks. Understood? दसवा question आज के लिए. Krebs cycle is also called a citric acid cycle. ये क्या नया मैम? क्रेब्स साइकिल बोलते थे,
TCA साइकिल बोलते थे, अब ये सिट्रिक एसिड साइकिल। बच्चों देखो ऐसे ही घुमा के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग लिख नहीं पाते हो, तो इसका भी जो है तुम्हारा आंसर सभी बुक्स में दिया गया है, आप लोग देख लेना। फिर भी मैं बता देती हूँ कि क्या है। पहली बात तो तुम लिखोगे कि क्रेब साइकिल किसने डिस्कवर किया था, सर हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था, योर फर्स्ट पॉइंट डिस्कवर। सेकेंड पॉइंट, हियर द एसिटाइल कोएंजाइम ए का चेन्स बनता है, हमें पता है राइट, यस और नो, एसिटाइल कोएंजाइम ए का चेन्स बनता है, सो इन दैट चेन द फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्म इज सिट्रिक एसिड, समझा गया। तो वो चेन में सबसे पहला मॉलिक्यूल बनता है सिट्रिक एसिड, इसीलिए साइकिल को बोला जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल। तो या फर्स्ट पॉइंट आपका लिख दोगे, और फिर हाँ आप लोग ये लिखना है कि देर आर अ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेन्स। हाँ जैसे देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए का, बच्चों अगर ये किसी ने नहीं पता है किसी को अपना जो है एरोबिक रेस्पिरेशन, भाई साहब बहुत तगड़ा वीडियो बना है वो, बहुत मेहनत किया है मैंने, वो ड्राइंग करके वो जो बोर्ड में मैंने मेहनत किया है, थोड़ा सा उसको देख के लाइक करके शेयर करके थोड़ा उसकी रिस्पेक्ट कर लो भाई। जिसने भी नहीं पढ़ा है वहाँ जाओ, मैं लिंक दे दूंगी यहाँ पे मेरे वीडियोस के, तो आप लोग जा सकते हो या तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लो, ठीक है। वहाँ पे आपको एरोबिक का अलग वीडियो है, एनएरोबिक का अलग है। एरोबिक में मैंने एकदम प्रॉपर एक्सप्लेन किया, एसिटाइल कोएंजाइम ए के दो बार दो राउंड बनते हैं, दो चेन्स, तो ऐसे बहुत चेन होते हैं। मैंने बहुत बार मेरे वीडियोज़ में भी बोला गया है कि क्रेब साइकिल का एक प्रॉपर बड़ा सा चैप्टर आएगा आपको 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो इतना बड़ा चीज है वो, तो हमेशा याद रखो कि वो चेन में जो फर्स्ट मॉलिक्यूल बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है, ठीक है। तो इसीलिए क्रेब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है, अंडरस्टूड। तो बच्चों जहाँ पे पेज नंबर नहीं लिखा है ना मैंने, वो सारे तुमको रेफरेंस बुक से कवर करने हैं, और जहाँ जहाँ पे पेज नंबर्स लिखा है वो आप टेक्स्ट बुक से उठाओ, विच विल बी बेटर फॉर यू, बिकॉज अ एग्जामिनर ऑलवेज चेक्स द आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ही और शी डजंट यूजेस एनी रेफरेंस बुक। हाँ, यूजिंग अ रेफरेंस बुक इज ईजी, मतलब ईजी मतलब तुमको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है इसलिए, बट प्लीज prefer learning answers from your textbook. That's my humble request. So this is the only motive behind, you know, searching the answers in the textbook. मेरे को सब ready-made मिल रहा था, क्यों ready-made बता के मैं क्या करूँ, मेरा काम easy हो जाएगा, मेरे को views भी मिलेगा, लेकिन तुम लोगों का कुछ use नहीं होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि I should, you know, mark the answers from the textbook and it will be easy for you all to learn from the textbook. Okay, so I hope ये video आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, कुछ तो help हुआ होगा। मैं next video में आगे के questions लेकर आऊँगी बच्चों, so be prepared for the next video, and अगर कुछ suggestions है, कुछ भी suggestions चाहे, मतलब मैम कुछ ये करो या वो करो, कुछ भी है तो भाई comment section में बता दो भाई, ठीक है, बता दो तो मैं वैसा फिर कुछ prepare करना start कर दूँगी। तो second, third thing बच्चों, प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग क्वेश्चन एंड आंसर्स फटाफट, टाइम नहीं है। एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, जो भी होगा, जो भी तुमको मतलब सब कुछ मिल जाएगा यार, न्यूज़ में आ जाता है, इतना टेंशन मत लो, पढ़ाई पे ध्यान दो, जो तुम्हारे हाथ में है वो पहले करो, दुनिया का बाद में सोचो, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, स्टडी करते रहो, मज़े करो, और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, विनती है आप लोगों से, डू सपोर्ट गाइज, आई नीड योर सपोर्ट। ज़्यादा ऑडियंस नहीं आ रही है मेरे पास, सो प्लीज़ आप लोग ही शेयर कर सकते हो बच्चों, इफ़ यू थिंक थोड़ा भी रिस्पेक्ट है, थोड़ा भी प्यार है कि मैम का थोड़ा हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ डू शेयर एंड वी विल ग्रो। ओके, थैंक यू सो मच एवरी वन, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके।